Students, how are you? Must be fine. Enjoying your online classes and watching these videos for learning. So let's move to our next topic, distance time graph. In the last videos or in the last worksheet, we discussed about distance and we also discussed or learned the formula of speed. Now we will learn how to draw distance time graph. Here is a given a situation like for a school picnic, a girl, Sonia, she decided to note the reading on odometer of the bus after every 30 minutes till the end of journey. कि एक बच्चा जो है वो स्कूल की पिकनिक के लिए बस से जा रहा है. अब रास्ता पिकनिक का बहुत लंबा है, दूर जाना है, तो उसने सोचा कि मैं आफ्टर एवरी 30 मिनट्स में हर आधे घंटे के बाद ऑडोमीटर जो बस का है उस पर रीडिंग नोट करूँगी. अब आपको लास्ट वीडियोज़ में या लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा है व्हाट क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय ऑडोमीटर. ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑडोमीटर मेजर करता है, हेयर इट इज़ द पिक्चर इज़ गिवन. ये आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर भी दिखाया हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ ये तो स्पीडोमीटर है, ये नीडल जो है ये स्पीड की तरफ इंडिकेट करेगी. सपोज़ यहाँ है तो ये 60 के आसपास की स्पीड है. बट ये जो आपको बीच में बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ किलोमीटर भी लिखा होता है. ये किलोमीटर यानी ये है आपका ऑडोमीटर, जो उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये शो करता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच क्वान्टिटी इज़ मेजर्ड बाई ऑडोमीटर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, उस व्हीकल ने, उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. अब जो सोनिया की रीडिंग्स हैं उन पे देखते हैं. एयर उसने एक टेबल के फॉर्म में किया कि 8 o'clock, 8 AM जब मॉर्निंग में बस ने स्टार्ट होना था तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, अभी द बस हैजंट स्टार्टेड, चली नहीं है, उसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, तो 0 किलोमीटर हुआ अभी स्कूल से, वो वहीं खड़े हैं स्कूल पे. बट उस समय तक जो ऑडोमीटर की रीडिंग है वो ये शो कर रही है 36,540. इतना ऑलरेडी वो बस चल चुकी है. अब बस ने मूव करना स्टार्ट किया, 8:30 हो गए, उसने फिर से रीडिंग नोट की. 8:30 पे उसने ऑडोमीटर में देखा 36,560. अब ये जो सेकंड वैल्यू है 8:30 वाली, इसमें से 8 o'clock वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 20 किलोमीटर्स. मीन्स फ्रॉम स्कूल ये जो बस है वो अब फ्रॉम स्कूल बस कहाँ पे पहुँच गई? 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गई. देन फिर 9 o'clock जो है फिर से ऑडोमीटर की रीडिंग नोट की. अब यहाँ लास्ट में देखिए 36,580. अगर आप यहाँ से ये फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40 किलोमीटर. नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल इज 40 किलोमीटर्स. 9:30 पे इन द सेम वे ये 60 किलोमीटर्स हो गए. सेम आपने ऐसे करना है, जो भी आपके पास यहाँ रीडिंग है उसमें से फर्स्ट वाली रीडिंग को माइनस करना है. तो अब आप स्कूल से कितना दूर हो गए? 60 किलोमीटर. एंड एट 10 o'clock, 10 AM बस रुक गई. दे रीच देयर डेस्टिनेशन जहाँ पिकनिक उन्होंने सेलिब्रेट करनी थी और अब उसने ऑडोमीटर की रीडिंग देखी 620. आप फिर से इस फर्स्ट वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 80 किलोमीटर. नाउ फ्रॉम द स्कूल द टोटल डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर. अब सोनिया को ये आइडिया नहीं है कि मेजर कैसे करते हैं स्पीड या मैं इस डाटा का क्या करूँ, ये जो डेटा उसने कलेक्ट किया है. सो हर टीचर मेड हर लर्न हाउ टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ताकि आपको थोड़ा स्पीड का और आइडिया लगे. पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, ग्राफ के थ्रू आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये आपके पास, इससे हमें थोड़ा सा और आइडिया लगता है वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में. तो इसमें क्या करते हैं, ये आपके सामने ये जो पॉइंट्स पहले प्लॉट किए हैं और फिर उन्हें ज्वाइन कर दिया. तो यहाँ पर आपने वाई एक्सिस पर जो है ये डिस्टेंस लिया हुआ है किलोमीटर में और इधर लिया जाता है टाइम और उसके यूनिट, जैसे यहाँ पर हमने आर ले ली या ये पॉइंट्स मार्क कर लिए हर आधे आधे घंटे के बाद, फाइन, और इनको प्लॉट कर दिया. अब हम इनकी प्लॉटिंग सीखते हैं, ये प्लॉट किया कैसे होगा, ये वाला जो ग्राफ है ये प्लॉट कैसे किया होगा इसके बारे में जानते हैं. यहाँ आपके स्टेप्स भी दिए हुए हैं, स्टेप्स टू ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कंसीडर, आपने ये डेटा कंसीडर किया, एक तो पहले वही वाला डेटा है जो सोनिया ने किया. यहाँ एक और सिंपल डेटा का चार्ट दिया हुआ है कि 0 मिनट पे टाइम यहाँ पर 0 के साथ मिनट नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ अगली यूनिट, अगली रीडिंग से आप आइडिया ले सकते हो कि टाइम की यूनिट मिनट है. तो 0 मिनट पे 0 किलोमीटर, फिर 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट्स पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स पे 3 किलोमीटर. ये तो और भी ईजी है ना डेटा,
फोर पे फोर, फाइव पे फाइव किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शीट ऑफ ग्राफ पेपर की लेंगे, मैं इसे आपको एक दूसरे उससे शो करती हूँ, यहाँ हम वाइट बोर्ड पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये अब हमने यहाँ पेन सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ देखेंगे आपने अब दो लाइंस ले लेनी है इस तरह से, ये सीधी सीधी दो लाइंस ली है आपने। ये इस पॉइंट को आप बोलेंगे ओ ओरिजिन, ये जो वर्टिकल ये दोनों लाइंस के बीच में ना 90 का एंगल बनता हो आपस में, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ये जो वर्टिकल एक्सिस है हम इसे ओ वाई बोलेंगे, वाई एक्सिस, और इसे बोलेंगे ओ एक्स, इसे एक्स देंगे ओ एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस बोलेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे डिस्टेंस, जिसके यूनिट यहाँ पर हमने किलोमीटर में ली है, और इधर ले लेंगे हम टाइम, जिसकी हमने यूनिट जो है वो मिनट में ली है, ठीक है, मिनट में। अब यहाँ पे हम प्लॉटिंग कर लेंगे, जैसे वहाँ हमारा टेबल था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जहाँ तक आप ले 8, 9 तक जितना आपका टेबल में दिया हुआ है, और यहाँ भी हम ले लेंगे 1, 2, 3, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लेना है आपके पास, जैसे ग्राफ का पेपर होता है ना, तो ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं इन पॉइंट्स को, आप इसी को हम स्केल बोलते हैं, कि जो ग्राफ पे एक स्क्वायर दिया होता है उस एक स्क्वायर का मतलब, जैसे 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ 1 किलोमीटर है, जैसे आप मैप में करते हैं SST में, फिर अगला 1 किलोमीटर भी जो है वो ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर के थ्रू शो हो रहा है। इन द सेम वे टाइम एक्सिस पर जो ये 1 सेंटीमीटर है, एक आपका जो स्क्वायर है वो किसको शो कर रहा है, 1 मिनट को, फिर अगला वाला स्क्वायर अगले और 1 मिनट को शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली और उन पे पॉइंट्स, उन पे वैल्यूज ले ली। नाउ अब हम टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 0 पर 0 है तो ये पॉइंट हो गया एक यहाँ पर, फिर ये 1 के ऊपर 1 है इस तरह से, ये पॉइंट आ गया, फिर 2 के अकॉर्डिंग 2 मिनट्स पे 2 किलोमीटर है, ये पॉइंट आ गया, 3 किलोमीटर 3 मिनट पर 3 किलोमीटर है, फिर ऐसे ही 4 मिनट पर रीडिंग क्या थी, 4 किलोमीटर, फिर 5 मिनट्स पर रीडिंग क्या थी, 5 किलोमीटर। ऐसे आपको जितनी भी रीडिंग्स दी हो, अब ये पॉइंट्स आपके पास आ गए, आपने इन्हें स्केल से जॉइन कर देना है, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग, थोड़ा राइटिंग क्लियर नहीं आ रही है बट आपको आइडिया जरूर लग रहा होगा। इन दिस वे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब हम वापस चलते हैं, एक बार सोनिया ने जो बस में रीडिंग नोट की थी उस पे चलेंगे, ये देखते हैं। अब हमने इसको, ये सोनिया वाला हमारे पास यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सोनिया वाले उसकी रीडिंग है जो उसने नोट की थी, 8 बजे 0 किलोमीटर, 8:30 पे 20 किलोमीटर, 9 बजे 40 किलोमीटर, 9:30 बजे 60 किलोमीटर और 10 बजे 80 किलोमीटर। और इसे यहाँ देखिए, ये यहाँ पर इसे प्लॉट किया गया है, ये देखिए, ये आपकी वही ओ वाई, ये वर्टिकल एक्सिस है जिसे वाई का नाम दे दिया है, और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये ओरिजिन है 0 पर 0। फिर आप यहाँ देखेंगे 8:30 पे 20 किलोमीटर, ये देखो यहाँ डिस्टेंस है और ये किलोमीटर है, आप अपनी वर्कशीट में भी देख सकते हैं अगर आप यहाँ ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, और ये टाइम जो है ये AM में लिया हुआ है, क्योंकि 8:30 AM, 9 AM, उसी तरह से 9:30 और फिर 10 AM, तो 8:30 AM पे आप ये पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट प्लॉट किया है इन्होंने 20 किलोमीटर पे, फिर 9 o'clock पे आप देखेंगे अगर यहाँ से ज्वाइन करते हैं इसे तो ये 40 किलोमीटर है, इधर से 9:30 है, फिर ये सॉरी 9 है, फिर 9:30 और इधर से देखेंगे तो 60, फिर ये 10 o'clock 10 AM और इधर से 80, तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए, है ना, ये 4 पॉइंट्स आ गए, और इनको ज्वाइन कर लेंगे तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ
इसको देख के ये आइडिया लग रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि जो बस है ना वो स्मूथली चलती जा रही है, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर, फिर आधा घंटा 20 किलोमीटर, फिर आधा घंटा 20 किलोमीटर, फिर आधा घंटा 20 किलोमीटर, बिल्कुल खाली सड़क मिली होगी उसे और वो अपना एक कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है। तो दिस इज़ हाउ हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है और ये ग्राफ जो हैं ये ड्रॉ करने ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। ये देखिए अब आपका ये यहाँ पर, अब ये यहाँ छुप जाता है ना एक्चुअली, तो यहाँ आपको मैं इसको कैसे आपको बताऊँ, ये अब यहाँ रीडिंग देख लेंगे, 5 रीडिंग्स दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। टाइम लिया हुआ है 0 और उस पर डिस्टेंस भी 0 है, फिर टाइम 1 मिनट है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 2 मिनट्स पे 4 किलोमीटर है, 3 मिनट्स पे 6 किलोमीटर है, 4 मिनट पे 8 किलोमीटर है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन हम एक बार वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसमें हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ चलते हैं, इसको करते हैं क्लियर और फिर से हम पेन को सेलेक्ट करते हैं और ये यहाँ से अब हमने क्या किया, जो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप इसे ग्राफ पेपर पे करेंगे, ये आपने ले लिया ओ वाई एक्सिस और ये ले लिया आपने ओ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर आपका वहाँ टाइम जो था वो मिनट्स में था, तो ये 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स और ये 5 मिनट्स। यहाँ आप लिख लेंगे टाइम और ब्रैकेट में लिखेंगे मिनट यानी उसके यूनिट, ठीक है, और इधर आप लिखेंगे, इधर आप इस तरह से लिखेंगे डिस्टेंस और इसकी यूनिट लिखेंगे किलोमीटर। तो 0 पर तो 0 थी, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया। इधर हमें लेना है बेटा, यहाँ अब हमने स्केल डिफरेंट ले लेंगे, एक जो स्क्वायर होता है ग्राफ का उसका मतलब हम 2 किलोमीटर ले रहे हैं, फिर 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8। अब आप देखिए कि 1 मिनट पर जो व्हीकल है वो कहाँ पहुँचा, 2 किलोमीटर पे, फिर 2 मिनट पे पहुँचा वो 4 किलोमीटर पे, उसके सामने पॉइंट 3 पे पहुँचा ये 6 पे, उसके बाद 4 पे पहुँचा ये 8 पे। अब ये हमारे पास देखिए ना, 1 मिनट पे 2 किलोमीटर, 2 मिनट्स पे 4 किलोमीटर, 3 मिनट्स पे 6 किलोमीटर, बिल्कुल उसके सामने आएगा ये इस तरह से सामने आएगी, बिल्कुल इस तरह से ऐसे, ये भी ये आप इस तरह से डॉट 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 करके प्लॉट करेंगे। तो ये हमें जो 4 पॉइंट्स मिले हैं अब हम इन्हें जॉइन कर लेंगे ऐसे, तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये हमें स्पीड का आइडिया देता है कि बॉडी जो है वो एक सेम स्पीड से चल रही है। तो दिस इज़ हाउ आप अपनी वर्कशीट में ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट। मुझे लगता है आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, एंड डू इट प्रॉपरली, सबमिट इट ऑन टाइम, एंड टिल नेक्स्ट वर्कशीट, टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।